टमाटर, ये मैंने तोलनी है, इतना ही टमाटर चाहिए, अगर एक किलो गोश्त है तो इसको हाफ कर लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी व्लॉगर ऑफ कनाडा में आप सबका एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा ठीक है जी, तो आप सबको मेरी तमाम जो देसी फैमिली है, देसी व्लॉगर की जो फैमिली है, उन सबको मेरी तरफ से जो ईद गुजरी है उसकी बहुत 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 एक बार फिर मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ आप सबकी ईद कमाल गुजरी होगी, ठीक है, और जिनकी कुछ ईद मुश्किलें थी, परेशानियां थी, अल्लाह पाक उन सबको दूर फरमाए। तो चलता जी आज के व्लॉग की तरफ। मेरे घर में एक दावत हुई थी चंद दिन पहले जब रिजवान आया हुआ था, ठीक है, तो उसमें मैंने एक डिश बनाई थी मटन कढ़ाई की, तो उस पर काफ़ी मेरे दोस्तों का कमेंट आया कि भाईजान इसकी हमें रेसिपी शेयर करें। तो मैंने सोचा है कि आज मैं बेगम को कहा कि भाईजान आज तुम करो छुट्टी, एक तो मैं बनाऊँगा आज का व्लॉग और साथ में बनाऊँगा मैं मटन कढ़ाई, वही वाली जो मैंने पहले बनाई थी, ठीक है। और वो मैं कैसे बनाई थी, बड़ी आसान रेसिपी, इतनी आसान रेसिपी है कि अगर आप उसको जब फॉलो करने लगेंगे ना तो आपको भाईजान आपके अंदर की जो आवाज़ आएगी ना, ऐसे गुर्दों फेफड़ों से आवाज़ आएगी कि भाईजान नहीं नहीं ऐसे ना बनाओ, ऐसे ना बनाओ, बात तो सही है ऐसे ना बनाओ। लेकिन अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीन करें ये जो उंगली है ना आप ऐसे कैसे करके खा जाएंगे। और ये जो रेसिपी है ये तोहफा है उन लोगों के लिए जो कि प्रदेश में रहते हैं, सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं, कुकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उन सब के लिए ये तोहफा है, ठीक है। तो रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रस्ट मी, ठीक है, भाई पर ट्रस्ट करना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज की मटन कढ़ाई। चलें जी किचन में चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ जी। सबसे पहले इसके लिए मैंने ले लिया, ये देखें मटन, ये धुला हुआ मटन है, ठीक है जी, और ये देखें इसको मैंने वेट किया है, तकरीबन 2 किलो मटन है ये, ठीक है जी। तो जो भी बना रहा हूँ मैं, चूँकि मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि छड़े छाड़ हैं, ठीक है, उनकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि नपी तुली चीज़ डालें बिल्कुल, ठीक है। ये 2 किलो मटन है मेरे पास, ठीक है, ये एक मसाला है हांडी का, कढ़ाई कढ़ाई मसाला, ठीक है, कोई मसाला ले लें, ये देखें मेरे पास ये हांडी का और सबसे सस्ता मसाला है ये, ठीक है, नेशनल शान सब इससे महंगे हैं, लेकिन आपने ये कोई जो भी आपको मिलता है कढ़ाई का मसाला वो ले लें आप, ठीक है, लेकिन उसको आपने फॉलो नहीं करना, ठीक है, जो उसके पीछे तरकीब लिखी होगी उसको फॉलो नहीं करना आपने, ठीक है। एक मेरे पास ये है और एक मैं मेहरान का पड़ा है मेरे पास, ठीक है, एक मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 किलो के लिए एक पैकेट और 2 किलो के लिए तकरीबन 2 पैकेट, ठीक है जी, ये ले लेते हैं इसके लिए। ये मेरे पास जिंजर पेस्ट है, ये भी बाजार से मिलता है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको घर में कुछ कुटने कटने की, ठीक है। और ये गार्लिक पेस्ट है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेहनत करने की, ठीक है। ये आगे जी मेरा बटर है, कोई भी कंपनी का ले लें, जहाँ से मर्जी ले लें, अनसाल्टेड बटर होना चाहिए, ठीक है, अनसाल्टेड, ठीक है। ये मेरे पास एक लेमन का मैंने ये रस निचोड़ लिया इसमें, ठीक है, पूरा एक लेमन आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये है फ्राइड प्याज, ये बाजार से आम मिल जाता है, ठीक है, किसी भी कंपनी का ले लें, फ्राइड प्याज चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरे पास है जी टमाटर, ये मैंने तोलनी है, इतना ही टमाटर चाहिए, अगर 1 किलो गोश्त है तो इसको हाफ कर लें, यानी कि 400 ग्राम टमाटर, 425 ग्राम टमाटर चाहिए 1 किलो गोश्त के लिए। तो तकरीबन 2 किलो गोश्त है तो 870 ग्राम टमाटर मैंने ले लिए तोल के, ठीक है। जो काम करना आपने अंदाजे से नहीं करना, क्योंकि ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जिन्होंने खाना कभी नहीं पकाया या जो हल्का फुल्का खाना पकाते हैं, ठीक है, ताकि उनको उनका कमी बेशी ना हो जाए, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको सब बता देता हूँ, ये 2 किलो मटन है मेरे पास, ठीक है जी, ये मेरे पास एक हांडी का कढ़ाई मसाला है, ये मेरे पास 2 पैकेट हैं लेकिन सामने एक ही पड़ा हुआ है, एक मेरे पास किसी और कंपनी का लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये जिंजर पेस्ट है, ये साथ में गार्लिक पेस्ट है, ये टमाटर हैं तुले हुए हैं 870 ग्राम 2 किलो के लिए, 1 किलो है तो हाफ कर लें। ये साथ में बटर है, ये लेमन जूस है जो मैंने अभी निचोड़ के रखा है यहाँ पे, और ये साथ में है जी फ्राइड प्याज, ठीक है, किसी भी कंपनी का ले लें, मुझे खुद नहीं पता ये कौन सी कंपनी का, लेकिन हमें बस यही चाहिए, इसके अलावा हमें कोई चौथी चीज़ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है जी। तो अभी शुरू चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और दिखाते हैं कि ये जो मज़ेदार सी मटन कढ़ाई है ये कैसे बनेगी। ईद का मौका है, आप लोगों को खा के मज़ा आ जाएगा, ठीक है, ना मज़ा आएगा तो मैंने फाड़ लेना आगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं इसको और देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है इसको बनाने का। नहीं शुरू करते हैं इसको पकाने का प्रोसेस। तो ये मैंने गोश्त धो लिया है, गोश्त धोने का तरीका मेरा क्या है वो आपने देख चुके हैं, जो मेरा पीछे दावत का व्लॉग है वो लाजमी दोबारा देखें, उसमें मैंने बताया कि मैं गोश्त को कैसे धोता हूँ, ठीक है, उसमें क्या ट्रिक लगाता हूँ गोश्त धोने के लिए, ठीक है जी। ये साथ में आम ऑयल है, इतना ऑयल हम डालेंगे नहीं, ठीक है, ज़्यादा ऑयल ही डालेंगे कि देखें कितना ऑयल डाल दिया, बस अंदाजा डाल रहा हूँ मैं, ये देखें कि बस लें जी, बस इतना ही ऑयल चाहिए हमें, ठीक है जी, ये हाँ बड़ा इतना ऑयल, आधा कप है, आधा कप थोड़ा और डाल देता हूँ, ये ले भाई जान बस, क्योंकि हमें ऑयल नहीं यूज़ ज़्यादा यूज़ करना,
ठीक है, बस इतना करना कि उसकी बुनाई हो जाए बस। ले जी तेल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है जी। इसमें हम डाल रहे हैं गोश्त को ऐसे ही, बिल्कुल कुछ नहीं डाला, सिर्फ ऑयल है तो सीधा गोश्त इसमें जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये क्या गोश्त, ठीक है। चम्मच और हाथ लाएंगे इसके साथ साथ, ठीक है। अब इसमें डालना हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो चमचे जिंजर पेस्ट के, ये देखें एक और ये दो, दो चमचे जिंजर पेस्ट के जाएंगे इसमें, ठीक है जी। और दो ही चमचे जाएंगे इसमें गार्लिक पेस्ट के, बिल्कुल गार्लिक थोड़ा ज़्यादा डालूंगा मैं, ठीक है। ये देखें लो जी भाजी तो मुकिया पे, लेकिन इतना कुछ आ गया, एक और ये दो, और ये सात से थोड़ा सा और निकाल के, ये नहीं ढाई तकरीबन निकला है, ठीक है। तो ओके, आप सिर्फ इसमें ना थोड़ी देर इसको भूनना है, सिर्फ जिंदर गार्लिक पेस्ट में, ताकि जो गोश्त की जो हमक समक होती है ना वो ये ख़त्म कर देता है, ठीक है जी। ये स्टेप बड़ा ज़रूरी है, ये स्टेप आपने याद रखना है। ये देखिए कुछ नहीं मैंने और डाला इसमें, सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, कुछ नहीं और डाला उसके अलावा मैंने। हाँ तो भाई ये पहनना पड़ेगा हमें, क्योंकि पतीली को पकड़ना पड़ेगा, पतीली गर्म बड़ी है, ठीक है जी। ये देखें पूरे जो गोश्त है ना, हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरह जो है ना वो उसको हम वो कर लेते हैं। बस थोड़ा सा ये भून जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट में, फिर हमने डालना है इसमें ये वाला मसाला। ये दो पैकेट खोले हैं, यानी कि दो नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। बस जो है वो एक पैकेट पूरा डालूंगा और दूसरा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है जी। नहीं ये भून लूँ फिर मैं मिलता हूँ आपसे आगे। ये जी इस मौके पे मसाला डालने से पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये देखें ये है जी फ्राइड प्याज एक चम्मच, बस एक चम्मच पूरा और दूसरा थोड़ा सा आधा आधा सा, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें, ये है बस, थोड़ा सा और डाल देते हैं। लें जी बस इतना प्याज आएगा इसमें, बस आप थोड़ा सा फिर इसमें चम्मच घुमाते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे आगे मैं। ले जी आप टाइम आ गया सर मसाला डालने का, बस वो मैंने भी प्याज जस्ट ऐड किया है और साथ ही मैं इसमें जो है वो एक पैकेट पूरा, ये देखें ये वाला, ये देखें एक पैकेट पूरा इसमें डाल देंगे भाई, क्योंकि प्रदेश में रहने वाले हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे मसाले उस तरह नहीं मिलते जैसे पाकिस्तान में, जलवितरी लटरम बटरम ये वो मिलती तो यहाँ भी हैं, लेकिन इसे डिफ़िकल्ट जॉब ढूंढना, तो इसलिए मेरा काम है आपको वो रेसिपी बताना जो आप कर भी लें। मैं जो आपको लेके बैठ जाऊँ मसालों की लंबी लिस्ट, तो आपने कहना भाई हम कहे सियापे पा छड़ी ऐसे पता नहीं भुखे पै रहे, ठीक है जी। तो ये देखें ये डाल दिया मसाला एक पूरा, ये पूरा चला गया और ये जाएगा तकरीबन आधा, ठीक है जी आधा जाएगा ये। देखें आधा हो गया तकरीबन, हाँ जी आधा हो गया, देखिए जी आधा हो गया, ये आधा ये चला जाएगा इसमें, ठीक है। बस इसको एक मिनट हमने बस इसमें थोड़ा सा चलाना चम्मच, दो या तीन मिनट इसमें चम्मच चलाते हैं, फिर मैं दोबारा मिलता हूँ आपसे आगे। ले जी मसाला डालने के बाद कुछ ऐसी शक्ल हो गई है, सिर्फ मैंने एक आधा मिनट इसको भूना है, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रेशर कुकर में, ये मेरे पास इंस्टेंट पॉट है, आपके पास जो भी गया इंस्टेंट पॉट है या रवायती कुकर है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इस गोश्त को गलाना है 90%, यानी कि 100% डन नहीं करना है इसमें, यानी कि और सिर्फ इसको जो है वो हम 90% तक डन करेंगे और बाकी हम चूल्हे पे करेंगे। तो ये इसका पैन है, इसमें मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो फिर मैं आपको दोबारा मिलता हूँ आगे। ले जी देखिए मैं गोश्त को शिफ्ट कर चुका हूँ इसके अंदर, और ये वो मेरी पतीली है जिसमें मैंने शिफ्ट किया। अब इसमें डालने लगा मैं सिर्फ 4 कप पानी डालूंगा, सिर्फ इसमें 4 कप पानी जाएगा इसमें। अगर आप चिकन की बना रहे हैं तो चिकन में 1 कप पानी जाएगा, लेकिन वो प्रेशर में नहीं जाएगी। अगर आप बीफ़ की बना रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो बीफ़ कैसा है, हर इलाके का बीफ हर जगह का बीफ डिफरेंट होता है, आपने उस हिसाब से उसमें पानी की मकदार
प्लस माइनस कर लेनी है। जो मेरे पास ये कुकर है इसमें पानी खुशक नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ 4 कप पानी डालूंगा और जो बाकी पानी खुश करूंगा वो मैं चूल्हे पर खुश करूंगा, जो बाकी 10% जो उसकी पकाई रहेगी होगी उसके दौरान। ठीक है, कि ये बड़ा अहम पॉइंट है, बस इस पॉइंट को आपने नोट कर लेना। ठीक है जी, मैं पानी सही डालता हूँ इसमें, फिर मैं दिखाता हूँ आपको आगे। ले जी ये देखें, मैं इसमें पानी डाल चुका हूँ। ठीक है, देखें गोश्त डूबा हुआ है, ये पानी खुश्क नहीं करेगा, इसलिए पानी पूरा पूरा इसमें ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 60 दिन का पानी डाला है इसमें मैंने। आप अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, वो बाद में खुद ही खुश्क हो जाएगा। तो इस पर देखें, मैंने 14 मिनट का कुकर लगाया इसके ऊपर, जस्ट 14 मिनट का। ठीक है, ये ऑन हो चुका है, 14 मिनट इसको छोड़ेंगे। और ये टमाटर है मेरे पास, तब तक ये होता है मैं इन टमाटरों को छोटा छोटा काट लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगला प्रोसेस क्या है इसका। ले जी देखें, टमाटरों को मैं इस शेप में काट चुका हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही काटने हैं। इसमें यह ना करना कि बड़े बड़े काट लें, बहुत बड़े बड़े पीस काटने के बाद भाई ये तो हो ही जाएंगे, ऐसा करेंगे तो आपको ही बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगला स्टेप ही ऐसा है। ठीक है, इस सूरत में काटने आपने, यानी कि देख रहे हैं टमाटर की मैंने क्या क्या कर दिए, इतना कर दिया टमाटर। ठीक है, ये देख रहे हैं सब टमाटर ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसा टमाटर काटना है आपने, प्लीज़ ये बात मद्देनजर रखिएगा। ठीक है जी, अब जब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। ये हमारे भी पड़े हैं पीछे 12 मिनट पड़े हैं, अभी 12 मिनट में ये हो जाएगा, तब तक हम जो है बाकी मामला शुरू कर लेते हैं कि बाकी हमने क्या करना है। ये देखें जी, पतीली हमने फिर चढ़ा ली ऊपर की, वही पतीली है जैसे मैंने अभी गोश्त खाली किया था। ठीक है, ये ठीक है, इसमें हम डालेंगे ये ऑयल। ठीक है, देखें कितना सा ऑयल है। ठीक है, इतना ही ऑयल डालेंगे इसमें हम, आधी प्याली ऑयल है। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। ठीक है, बाकी हम इसमें मक्खन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो कढ़ाई में बहुत कमाल आता है। ले जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हमने क्या करना है, ये टमाटर हमने काटे हुए हैं ना, इन टमाटरों को हम डाल लेंगे इस ऑयल में, और तब तक ये टमाटर पकेंगे जब तक ये टमाटर रस में तब्दील नहीं हो जाते। ये है इसमें एक मेन पॉइंट, इस टमाटरों को हमने रस में कन्वर्ट करना है, वो भी दिखाता हूँ कैसे होगा। ये देखें, ये टमाटर हमने इसमें डाल दिए, अब हम क्या करेंगे, ये मक्खन है इतना सा टुकड़ा जो है ना इसके साथ अंदर फेंकेंगे, ताकि ज़रा इसका टेस्ट जो है ना ये टमाटरों के रस में जाए। ये देखें, ये सारे पॉइंट हमने आज भी फॉलो करने हैं, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ इसमें जो है वो छुपाई नहीं है, कोई चीज़ अपने पास से नहीं डाली, ये मेरी बड़ी पुरानी रेसिपी है। और जिन जो लोग भी ये मटन खाए, जिसने भी मेरे हाथ से खाया है, उसने कहा है भाई जान ये कमाल चीज़ है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये ले, ठीक है, ये डाल दिए इसमें, अभी इतने डालेंगे, बाकी भी हम डालेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है जी, अभी हम इन टमाटरों को नरम कर रहे हैं, जब तक टमाटर बिल्कुल गायब नहीं हुए थे और इनका बिल्कुल पानी बनकर रस नहीं बाहर आया था, इतना ही ये पकेंगे इसके अंदर ऑयल के अंदर। ऑयल कम है, पानी ज़्यादा हो गया अब इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, पानी सानी कोई नहीं डालना इसमें, पानी सानी अगर सब सीना तम हो गया है, कोई पानी सानी डालना, उसी में जो पानी है वो पानी है, 5 मिनट बाकी रहेंगे बस। ये होता तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका रस निकालेंगे इन टमाटरों का। ठीक है जी, तो मिलता हूँ आपसे जब तक इसका रस नहीं निकलता। ले जी, ये थोड़ा सा अदरक है, ये देखें इसको मैंने ऐसे काट ली है, इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ही चाहिए आपको। ठीक है, और साथ में ये देखें दो हरी मिर्चें हैं, ये ऐसे ही साबुत फेंक देनी है, और मैं बाद में निकाल लेता होता हूँ उनको। ठीक है, इनका जब रस चला जाता ना उसमें गोश्त में, तो मैं निकाल लेता हूँ इनको बाहर। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है कितना तीखा पसंद करते हैं आप, लेकिन चूंकि मुझे इतना ही चाहिए था इसलिए मैंने सिर्फ दो चाहिए ऐसे ही एज इट इज़, और ये इतना अदरक। ये जब मैं गोश्त मेरा डन हो गया, ठीक है, तो और ये देखेंगे इस पोजीशन में आ चुका है, यानी कि ना टमाटर नरम हो गए हैं। ठीक है, बस अब इनका थोड़ा सा जो है ना मैश करना बाकी है, मेरे पास मैशर है, मैशर से इनको 1 मिनट मैश कर लेता हूँ मैं। ये देखें जी, ये चीज़ है मेरे पास, इससे मैं इसको ऐसे ऐसे दबाऊँगा तो ये जो बाकी जो रहती थी कसर है वो पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया, ये देखिए, देख रहे हैं आप, यानी कि टमाटर जो है अपना रस पूरा छोड़ चुके हैं और बिल्कुल नरम हो गए हैं। ठीक है जी, अभी जब ये गोश्त मिलेंगे तो नज़र भी नहीं आएगी कहाँ गए ये। ठीक है जी, एज इट इज़ फॉलो करना, मैं आपको बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये रेसिपी मज़े की नहीं है, लेकिन ये मैंने आपसे कहा है कि बहुत मज़ा आएगा आपको खा के। ये देखिए जी, टमाटरों का रस बेहतरीन निकला है, टमाटर बिल्कुल गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमारे ये गोश्त भी जो डन हो गया कुकर में, ठीक है, तो इसको अभी इसको हम पीछे कर देते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि ये लग ना जाए नीचे। ठीक है, और इसकी सीटी खोलते हैं, ये दबाएंगे तो सीटी खुल जाएगी। देखें, ये सीटी खुल गई, ये मिलता हूँ जी आपसे दोबारा में। भैया जी, कुकर हमारा डन हो गया, ये ऑफ भी हो गया, अब हम इसको सेफली खोल सकते हैं। तो ये देखें, इसको खोलते हैं हम बिस्मिल्लाह करके। ये ले जी, ये देखें जी, देख रहे हैं पानी उतना का उतना ही है, पानी का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें पानी खुश्क नहीं होता, ये जो इंस्टेंट पॉट है। ठीक है, तो इसको रखते हैं यहाँ पे, और जो है अभी जाके इस गोश्त को हम इससे मिक्स करते हैं। ये दोबारा हमने गर्म कर लिया, चूल्हा बंद कर दिया था 2 मिनट के लिए, तो अभी हम मैं इसको दोबारा इसमें डाल के, इस गोश्त को एज इट इज़ इसमें डाल के मैं आपसे मिलता हूँ आगे दोबारा।
ले जी ये हमने इसे मिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं पानी इसमें ज़्यादा है अभी, ठीक है। ये पानी ऐसा ही होना चाहिए था जैसे ये है। अब जो बाकी 10% गोश्त में कसर है ना, वो हम निकालेंगे इसको चूल्हे के ऊपर। देख रहे हैं गोश्त गला है लेकिन फुल डन नहीं है। अब ये जो पानी है वो इसी के ऊपर खुश्क होगा, इसकी आँच हम कर देंगे बिल्कुल तेज़। ये देखें ये आँच तेज़ हो गई है, इसमें हम डाल देंगे ये देखें उधर काटा था एज इट इज़, हम ये देखें इधर ये अदरक डाल दिया इसमें हमने, ठीक है। तो और ये मिर्चा भी हमने एज इट इज़ ही डाल दी है इसमें, ठीक है जी। ये लें जी, अब इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसको हमने कुछ नहीं करना, आधा घंटा इसी है पकेगा, ठीक है। तो दोबारा मिलता हूँ वहाँ से आधे घंटे बाद। ले जी आधा घंटा हो गया, तो मैंने भी इसको चेक किया, इसमें कसर बाकी है अभी, यानी कि मज़ीद 15 मिनट जो है ये चूल्हे पर रहेगा और आँच है इसकी मीडियम, ठीक है, मीडियम फ्लेम पर है ये, ठीक है। टेस्ट बहुत कमाल हो गया हुआ है, बस अभी शक्ल हमने निकालनी है, वो हम एंड पे निकालेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ गोश्त को पूरा पका देना, सिर्फ 15 मिनट की कसर हो रहा है ये बाकी। आप भी लाजमी चेक कर लें कि क्योंकि हर गोश्त का फ़र्क होता है, कुछ गोश्त जल्दी गल जाते हैं, कुछ गोश्त लेट गलते हैं, लेकिन तरीकाकार आपने एज इट इज ही फॉलो करना है, ठीक है। वो गोश्त का जो लोग गोश्त खरीदते हैं उनको पता होता है कि हमारा गोश्त क्या बिहेव करेगा। ले जी गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, ठीक है। प्रेशर से उतारने के बाद 1 घंटा मैंने इसको और पकाया है, ठीक है। तो अब ये इस कंडीशन में आ चुका है कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर दिया जाए, ठीक है। अब पानी हम इसका खुश्क करेंगे और फिर इसमें डालेंगे जो बाकी चीज़ें डालनी है और उसको चूल्हे से उतार लेंगे। मैं दोबारा मिलता हूँ आपको पानी खुश्क करके सिर्फ 2-4 मिनट में। ले जी अब इसमें हम डालने लगेंगे लेमन जूस, 1 चम्मच लेमन जूस डालेंगे इसमें, ठीक है। और साथ में ये मक्खन पड़ा हुआ है, ये मक्खन के साथ इसमें फेंक देंगे, क्योंकि हमें जितनी हम थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे इसमें, वो आपकी मर्जी है ग्रेवी रखनी है कि नहीं रखनी, ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हमारे लिए फाइनल कंडीशन है, देख रहे हैं आप। मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। हल्की सी और खुश्क होगी लेकिन मैं बस थोड़ी सी छोड़ूंगा ग्रेवी, ताकि क्योंकि अभी जो है ये पानी जो है ना ये और खुश्क हो जाएगा इसका चूल्हे में पड़े पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और बस अभी ये डालते हैं इसमें लेमन जूस डालते हैं 1 चम्मच, ये देखें ऐसे करके, ये देखें 1 चम्मच को भरते हैं इसको, ये देखें इसमें ये इसमें डाल दिया लेमन जूस हमने, ये देखें ये लेमन जूस डाल दिया, ठीक है जी। ओके डन हो गया जी। साथ ही ये बटर हमने इसमें डाल दिया, ये देखें ये बटर गया इसमें। अब ये बटर जब तक ये पिघलेगा तब तक हम चूल्हा बंद कर देंगे और ये हमारा डन हो जाएगा। डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको मैं। ले जी हमारी ये जो मटन की कढ़ाई थी ये रेडी है, और ये देखिए आप कैसी कमाल और शानदार लग रही है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये मज़ा आएगी, और देखने कितनी आसान रेसिपी है, कोई इसमें तामझाम नहीं है। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, इंशाल्लाह जल्दी आपसे करेंगे एक नई वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। एक बार फिर मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब की फैमिली को ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।